हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए टाटा ग्रुप का ये शेयर है मात्र 36 रुपये का। सबसे पहली बात यह है कि टाटा ग्रुप का इतना सस्ता शेयर आप देख के चौंक रहे होंगे कि मात्र 36 रुपये का शेयर है। दूसरी बात भी है, आज जो है 17 अप्रैल 2019 है, रिजल्ट आने की डेट है टाटा के इस शेयर की। तो रिजल्ट जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले आने के आसार हैं। अब सोच रहे होंगे चौंकाने वाले कैसे, अब तक ये स्टॉक हमेशा पिछले कई सालों से डूबा हुआ रहा है, कई हज़ार करोड़ों का लॉस शो कर रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा शो हो रहा है कि इसका लॉस या तो बिल्कुल कम हो जाएगा या प्रॉफिट में टर्न हो जाएगा। तो इतने ज़बरदस्त आसार हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन सा है शेयर, क्या डिटेल्स है, क्या टेक्निकल्स है, और उन सब के बारे में बात करते हैं छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टाटा स्टील BSL लिमिटेड। अब आप सोचेंगे टाटा स्टील तो सुना है, BSL क्या है? अभी आपने कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुनी होगी कि टाटा स्टील ने भूषण स्टील लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। तो ये वही जिसके ऊपर डेट था, उधार तले दबी हुई कंपनी थी, तो वहाँ पे टाटा स्टील ने इसको कौड़ियों के भाव खरीदा BSL को। अब ये शेयर देखिए 36 रुपये के आसपास जा चुका है, रेगुलर उछाल आ रहा है और बाय सेंटीमेंट 100% है, क्योंकि टाटा स्टील इससे काम करवा रहा है। इससे प्रोडक्शन, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन प्रोडक्शन इतनी अच्छी खासी इसकी उछाल देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन में। देखिए टाटा स्टील BSL पोस्ट 9.4% इंक्रीज इन क्रूड स्टील प्रोडक्शन, आप खुद देखिए हर तरीके से टाटा स्टील अब यहाँ पे इससे अच्छा खासा। देखिए टाटा स्टील पोस्ट रिकॉर्ड इंडियन आउटपुट आफ्टर भूषण परचेज, अब टाटा स्टील को भी फायदा है, इसको भी फायदा है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या? ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो इसके अल्टीमेटली इसके प्राइस पे ही, शेयर प्राइस पे प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी, तो शेयर प्राइस पे तो असर पड़ेगा ही। अब ये देखिए ये 4000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, छोटा सा शेयर। डेट कितना था इसके ऊपर? 50,000 करोड़ का। धीरे धीरे ये डेट रिजॉल्व हो रहा है। अर्निंग पर शेयर सब कुछ नेगेटिव में है, लेकिन अब ये पॉजिटिव टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे इसका लॉस देखें टोटल, तो लास्ट ईयर जो लॉस था वो 24,000 करोड़ का लॉस इसके ऊपर था। अब ये लॉस, उम्मीद है कि ये लॉस इतना नहीं रह के कम होता रहेगा। जैसे ही ये लॉस कम होता रहेगा धीरे धीरे करके, फिर यहाँ पे पॉजिटिविटी आती रहेगी और शेयर देखिए बिल्कुल उछलता हुआ रहेगा यहाँ से। अब अगर आप देखें इसका टेक्निकल डिटेल्स देखें टाटा स्टील BSL का, तो देखिए ये शेयर ने जो लो बनाया है वो 22 रुपये का लो बनाया है, 14 रुपये अभी उछल चुका है। देखिए अप्रैल पिछले साल से अभी तक 14 रुपये उछल चुका है। उम्मीद है कि बहुत जल्द अपने इस 103 या 100 रुपये के लेवल पे आए, वापस आए और फिर वहाँ से और जल्दी अपने नए नए हाईज़ को ये बनाए। चलिए ये तो ठीक है, ये तो उम्मीद है, लेकिन सबसे मेन बात है रिजल्ट की। रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो रिजल्ट की डेट टाटा स्टील BSL की आज 17 अप्रैल की रिजल्ट डेट है, तो इस रिजल्ट पे काफ़ी कुछ अटका हुआ है। अगर ये रिजल्ट अच्छा आता है तो कंपनी बहुत बड़ी दौड़ लगा सकती है, बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ दिख सकती है स्टॉक में। यहीं पर अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो बमनीपाल स्टील लिमिटेड, इसका मेजर देखिए 72.65% होल्डिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेजर होल्डर इसमें है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर की भी बहुत सारी इसमें होल्डिंग है। तो टाटा स्टील BSL आज डिटेल आएगी, उसमें सारा डाटा होगा, कहाँ प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्शन और कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस अगर है तो लॉस कितना हुआ, कम हुआ कि नहीं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी और मैं भी साथ के साथ उसको अपडेट आपको कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप वेट कीजिए, दिन में अगर रिजल्ट आता है तो उसके बेसिस पे आप फॉलो करते हैं अगर टाटा स्टील BSL को, तो फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट के ऊपर काफ़ी कुछ प्राइस टिका हुआ है। छोटे शेयर्स में ऐसा होता है कि हल्का फुल्का भी अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो शेयर उछल जाता है, नेगेटिव आता है तो शेयर में गिरावट आ जाती है काफ़ी एकदम। ऐसा तो बड़े बड़े शेयरों में भी होता है लेकिन इसमें जो असर होता है वो काफ़ी बड़े परसेंटेज का हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।